है गाइस, वेलकम टू साइको वॉर्नेस। आई होप यू डूइंग वेल। तो यंग प्रोफेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के थ्रू इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। आप फ्रेशर्स ऑल इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। आपको ऑल इंडिया से आप इसमें एलिजिबल हो, फ्रेशर्स एलिजिबल हो, तो आपको इसमें सपोर्ट करना है सीनियर ऑफिसर्स को ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा पर। आपको इसमें पॉलिसीज मेकिंग, गुड गवर्नेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारा काम करना है विद अथॉरिटी के साथ, टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह, प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। इसके बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन भी करे जाएंगे, ठीक। बात करते हैं वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी क्या है, देख लो ऑल इंडिया से भर पाओगे। यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 6, 6 पोस्ट है, इंटरव्यू ले जाएगा बस। फुल टाइम पोस्ट रहेगी आपकी, बट कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी। 35 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 15 सितंबर, 15 सितंबर लास्ट डेट है। कॉन्ट्रेक्चुअल 2 साल चलेगा, हर महीने आपको फिक्स्ड 60,000 पर मंथ दिया जाएगा विद फ्री एकोमोडेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या असाइनमेंट होगा, क्या होगा, सब कुछ अभी पढ़ लेंगे अभी हम इसमें। और बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर्स डिग्री करी हो आपने किसी भी स्ट्रीम में, कोई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, और मास्टर्स में आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक। और देखो यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप किसी में भी करियर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और लिखी भी है इम्पोर्टेंट, कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो क्या होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट, वो भी देख लो, ठीक है, कि आपका इंस्टीट्यूट में आता नहीं आता। यहाँ देखो कि वो इंस्टीट्यूट जो रिसीव कर, जिन्होंने रिसीव किया गवर्नमेंट से स्पेशल रिकॉग्निशन हायर ऑटोनॉमी में एंड डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक IITs, NITs, AIIMS, ISER, IIMS वगैरह वगैरह। अभी देख लो बहुत सारे, देखो जो बेसिकली नेशन को कुछ ज़्यादा सर्व कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज आती है, वो कॉलेज आते हैं हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI के अंदर, ठीक। अभी कौन कौन से आते हैं देख लो, जितनी भी इंडिया में IITs हैं वो सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। IIMS आते हैं इसके अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सब आते हैं, आपकी इंडियन IITs भी आती हैं, वो बताया मैंने आपको। उसके बाद आपके जो IISER यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो भी आते हैं, कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हो। AIIMS जितने भी, वो भी IIMI के अंदर आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो आपकी NITs हैं वो भी यहाँ पर आती हैं, कौन कौन से NITs हैं यहाँ पर। उसके बाद आपकी NIDs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वो भी आते हैं। फिर आपके आ गया कौन सा, NIF TEM, वो भी आता है। फिर फार्मेटिकल एजुकेशन रिसर्च, वो भी इसमें आता है, ठीक है। फिर आपकी स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, वो भी इसी में आता है। उसके बाद आपके देखो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये मेन है हमारे यहाँ से। क्या बोला था हमने कि INI यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, AMU, BHU, नालंदा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिहार नेशनल फॉरेंसिक साइंस, आपकी राष्ट्रीय रक्षा, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये सब आते हैं। और भी ज़्यादा आती हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो सभी आती हैं। मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं, और बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आती हैं। वहाँ पर आप देख सकते कौन कौन से फाउंडेशन है, जवाहर नवोदय हो गया, राजीव गांधी हो गया, ठीक है, यूथ डेवलपमेंट, जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, वो सभी आपकी इंडियन IIMI में आती हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर। अगर आपने यहाँ से मास्टर्स करा है विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने मास्टर्स करा है अपने स्टेट कॉलेज से भी, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास तब नॉलेज होनी चाहिए किसकी, एक्सेल की, डेटा एनालिटिक्स की, विजुअलाइजेशन की, प्रोग्रामिंग की, इनकी, ठीक है। बाकी अगर आपने BTech, MBA करा है, ठीक है, तो वो डिज़ायरेबल में, वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो अच्छा रहेगा, आपके पास फ्रेशर्स एलिजिबल है इसमें, ठीक। तो आपको पावर पॉइंट, MS ऑफिस, मतलब आपको कंप्यूटर काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, साथ में प्रोग्राम मैनेजमेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी पोस्टिंग क्या होगी हम वो भी देख लेते हैं। देखो पोस्ट निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, IIM शिलोंग निकाली है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस। पोस्टिंग होगी अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शिलोंग, IIM शिलोंग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी पोस्टिंग होगी, बेहतरीन जगह है। ये रही ऑफिस वेबसाइट, यहाँ पर आप देख भी सकते हो IIM शिलोंग को पूरा, ठीक है, पूरा हिल स्टेशन है।
और यहाँ पर अप्लाई करोगे और यहाँ पर आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, ठीक। ऑल इंडिया से एलिजिबल हो। अभी और क्या चीज़ें वो देख लेते हैं हम, इसमें हमारे काम की और क्या चीज़ें हम वो देख लेते हैं। एज वगैरह बात कर ली हमने। सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन होगा आपका, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, और वो पूरा मेरिट के बेस्ड होगा, आपकी जो भी मेरिट बनेगी उसके बेस पर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और लॉजिस्टिक इन सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। आपको आपको वर्किंग स्पेस दिया जाएगा, आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी, आपकी पोस्टिंग होगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, आपकी ट्रेनिंग भी होगी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर देखो और क्या काम का, यहाँ देखो हमारा इंटरेस्टेड इन एलिजिबल कंट्री में अप्लाई, ये लिंक से अप्लाई करोगे, ठीक है। लास्ट डेट है 15 सितंबर अप्लाई करने की, ठीक है। और बस हो गया, इतना ही सब कुछ डिटेल दी है, बाकी जो और चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। आपको कोई TADA मिलेगा नहीं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू आई थिंक इसका ऑफलाइन ही लिया जाएगा, ऑनलाइन ही होगा। जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको ईमेल ID के थ्रू या मोबाइल SMS के थ्रू वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका लिंक है, फॉर्म बना, इस पर क्लिक करोगे आपको ये लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ देखो ये गूगल फॉर्म, ठीक है, क्रिएट माई ऑन ऑन, तो ये अभी चल रहा है, दिस फॉर्म इज नॉट डजेंट एग्जिट, तो यहाँ पर अभी वेबसाइट चल नहीं रही है बेसिकली आपकी, ठीक है। तो अभी फॉर्म आए हैं, 15 सितंबर लास्ट डेट है, आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म भर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। अभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा होगा इसलिए वेबसाइट ओपन नहीं है, तो आप लोग फॉर्म भर लेना आराम से, कुछ अभी डेट काफ़ी है, 15-17 दिन है अभी। और जो भी चीज़ें मैंने बताई वो अच्छे नोट कर लेना, इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो इसी PDF में, आई होप अपने वीडियो कंप्लीट देख ली होगी, सब चीज़ें समझ ली होगी। और कोई क्वेरी होगी आपकी तो आप इस ईमेल ID पर पूछ सकते हो, नंबर भी दिया है, फोन नंबर यहाँ पर। और ये आपके क्या है, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, एनेक्सर है, ठीक है, कि आप किस डोमेन में काम करना चाहोगे। तो फ्लेक्सी प्रोग्राम, CM फ्लेक्सी, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप से, फाइनेंशियल, सब चीज़ है, इकोनॉमिक्स, अगर आप साइकोलॉजी वाले हो, सोशल वर्क वाले हो, सोशोलॉजी वाले, सोशल साइंस के फील्ड से हो आप, तो आप बेसिकली पर्सपेक्टिव प्लानिंग परफॉर्मिंग जा सकते हो आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जा सकते हो आप, यहाँ पर आप स्किल डेवलपमेंट जा सकते हो, यहाँ पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जा सकते हो आप, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हो आप, रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आराम से भरो, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ है। और कोई क्वेरी भी तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी हम लोग जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।